आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, सभी पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग और यहाँ के समस्त अधिकारी, यहाँ का ये लगता है प्रशासन का और सरकार का कि दिल्ली से आंदोलन हट के करनाल में हो जाए, अपने जितने भी लोग गए थे वहां पर मीटिंग में पिछले कई दिन से जो दौर चल रहा बातचीत का, सरकार उस एक अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है जिसकी वीडियो पूरे देश में चली। हमने कहा कि उसको सस्पेंड कर दो, डिसमिस कर दो, आपके बस का वो नहीं है, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दो। इंक्वायरी किस चीज की? इंक्वायरी तो वीडियो है, इंक्वायरी सब देश ने सुनी है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बयान उस पर आए हैं, आपके गवर्नर के बयान उसके ऊपर आए हैं, पूरे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें छपी हैं। इंक्वायरी किस चीज की? यह है कि सरकार का क्या रवैया है ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन यह है कि यह आंदोलन लंबा चलेगा, आंदोलन ये यहां पे भी चलेगा, आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पे भी रहेगा। जिम्मेदारी यह रहेगी कि यहां पे भी आप लोगों को रहना है और जो दिल्ली के बॉर्डर है वहां पे भी आपको रहना है। यह स्थान जहां है आंदोलन यही चलता रहेगा। हमारा किसी पब्लिक के आदमी को, किसी दुकानदार को जो यहां पे मिनी सचिवालय में जो लोग काम करवाने आते हैं उनका कोई अधिकारी यहां से जाए उसको रोकने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। ये चाहते हैं कि यहां पे बैठे और पब्लिक में ये मैसेज दे कि हम पब्लिक को रोक रहे हैं। हमने एक रोड उनके लिए छोड़ रखी है, अपना अधिकारी आए, जिन पब्लिक को भी यहां पे आना है वो आए, अपने काम करवाएं, बगैर सचिवालय के काम नहीं होते जनता के। इनको काम अपने आप नहीं करना और कहेंगे कि किसान संगठन बैठा हुआ था यहाँ पे। सब लोग आए, उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ पे आते रहेंगे समय समय पे, जब भी कोई बड़ी मीटिंग होगी जब आएंगे, और वैसे भी हालचाल लेते रहेंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि ये करनाल तो हमारा बहुत नजदीक है, यहाँ की मंडियां करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, अपना सामान यहाँ बेचते हैं, यहाँ से लेकर जाते हैं, तो आना जाना उनका है। यहाँ के पंजाब के लोगों को भी यहाँ पे सहूलियत है, वे भी आते रहेंगे, और यहाँ के लोग भी मजबूत हैं, वे भी रहेंगे, संयुक्त मोर्चे के लोग भी यहाँ पे आते जाते रहेंगे। यहाँ पे शांतिपूर्ण व्यवस्था हमको बनाकर रखनी है। जो हमारा नौजवान साथी जिसके ज्यादा क्रांतिकारी विचार हैं वो बराए मेहरबानी करके अपना शांति बनाए रखें। प्रशासन सरकारें चाहती है कि आंदोलन हिंसक हो, और जब भी आंदोलन हिंसक होगा वो आंदोलन खत्म होता है, तो हमको शांति बनाए रखना। पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्था कर रहा है, हमारे उनसे कोई मतलब नहीं है। और भाई ये भी अपना ध्यान रखें, जब किसी ने वर्दी पहन ली है तो बराए मेहरबानी करके हमारे किसानों के बीच में बैठ के ताश खेलने का काम ना करें। मतलब इतना वो नहीं है, आप वर्दी उतार के आओगे, आप कुर्ता पजामा पहन के आओगे, आपका स्वागत है। जब आप वर्दी में हो तो हमारे संस्कार ये हैं, आप हमारे ही परिवार से हो, लेकिन संस्कार हमारे हैं कि जो ड्यूटी आपको दी गई है आप अपनी ड्यूटी पर रहें, उसका आप जरूर ध्यान रखेंगे। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी ध्यान रखें सबका। ये हमारे बीच में आएंगे और ज्यादा मेल मिलाप भाई ठीक नहीं है, वर्दी वाले का और बिना वर्दी वाले का मेल मिलाप इतना ही ठीक है कि राम रहीम तक ठीक है, ज्यादा नहीं। ज्यादा क्लोजनेस आएंगे तो आपसे ही बात लेंगे, अपना बचा कर रखो, वो भी अपनी ड्यूटी पे, हमारा किसान भी अपनी ड्यूटी पे है।
तो यही बात हुई कि प्रशासन कोई बातचीत मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि इंक्वायरी करवा देंगे हम, इसकी जो जांच होगी वो करवा देंगे। उस पर अभी हमारी कोई सहमति नहीं है। हमारी सहमति है कि पर्चा दर्ज हो, वो भी अपने घर पर बैठे, और हमारे किसानों पे भी मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, वे भी अपने घर पे ही हैं। तो मुकदमे दर्ज पहले उनपे भी मुकदमे दर्ज हो जाए, उस अधिकारी पे भी हो जाए, और फिर उसकी जांच करवा लो। हमें पता है कि जांच में क्या होगा। जांच में पूर्ण रूप से उसको क्लीन चिट मिलेगी, वो भी जानते हैं हम। लेकिन जिस हिसाब से किसान मान सम्मान के साथ में यहाँ पे आया है, जिस हिसाब से कल बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे किसान हमारा आया, तो उसी शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने इस आंदोलन को बनाए रखे। इसमें लोग आते रहे, जाते रहे, जो हमारे भंडारे चलते रहे, वे बादस्तूर हमारे चलते रहे, जो लंगर हमारे चलते रहे। जोगिंदर यादव जी, हम इन सब चीजों का ध्यान रखें, जो दुकान है उनका भी ध्यान रखें, जो लोग यहाँ पाए हम उनको भी ध्यान रखें, और जो भी मीटिंग संयुक्त मोर्चे की होगी, अगली कोई भी कॉल देनी होगी तो संयुक्त मोर्चा उसमें तय करके वो कॉल दे देगा। योगिंदर यादव जी भी हमारे बीच में आ रहे हैं, ये भी अपने दो बात अपनी कहेंगे, और आप सब लोग ध्यान से सुनते रहेंगे, अपना शांति बनाए रखेंगे। आज योगिंदर जी आज मैं एक मिनट व्यस्त प्रधान